अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नए दिन में खुश आमदीद। तो मैं जा रहा हूँ इब्न बतूता स्टेशन वाली साइड पे, खालिद भाई वहाँ मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से नाश्ता वगैरह करके निकला हूँ। तो मैं कल आया था अबू धाबी से। अबू धाबी में मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि वहाँ मैं किसी काम के मकसद से गया था, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी था, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सकता। क्योंकि मैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए, अबू धाबी को एक्सप्लोर करने के लिए फिर जाऊंगा। शारजा वगैरह सब ये मैंने अपने प्लान में रखा हुआ है, बट अभी के लिए ऐसा है कि मैंने सिर्फ आने जाने और ये बस की वीडियो बनाई है थोड़ी सी, और ज़्यादा मैं नहीं बना सका क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ था वीडियो अलाउ नहीं कर रहे थे, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी मैं फिर मेट्रो में जा रहा हूँ इब्न बतूता स्टेशन पर। तो ये इब्न बतूता गेट है सारा, खालिद भाई वेट कर रहे हैं मेरा, ये है। तो अभी बैग शैग गाड़ी में रखते हैं। फायर तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। ये तो बाहर आके पता चलता है भाई कितनी गर्मी है ना। हम तो बस और ट्रेन में रहते हैं या सीधा शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं, हमें फील ही नहीं होता कि भाई गर्मी है। तो गर्मी तो अच्छी खासी है भाई जान। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out. कौन सी जगह है सर ये? है जी एन दुबई। अच्छा, ब्लू वाटर्स एन दुबई। ब्लू वाटर नई प्लेस बनाई है विजिटर्स के लिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ये चूल्हा है ये वाला। अमेजिंग है यार। तो ये अपार्टमेंट से लोग रहते हैं यहाँ पे? जी, ये सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो यहाँ पे कोई कॉस्ट का आपको आइडिया है कि क्या कॉस्ट पड़ती होगी यहाँ पे? ये जो इनके एग्रीमेंट्स हैं एनुअल, हाँ जी एनुअल, यहाँ पे है तकरीबन 2,00,000, 2,30,000, 2,40,000 दिरहम में। हाँ जी, 1,50,000 से स्टार्टिंग, मिनिमम 1,50,000 का अपार्टमेंट है यहाँ पे डबल बेडरूम वाला। अच्छा, तो इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव तो नहीं है मेरे ख्याल से, जो क्योंकि दुबई में भी लाख सवा लाख के तो दुबई में भी है। हाँ बिल्कुल, ऐसे बिजनेस रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो ऑलरेडी इतना गेन कर रहे हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं, ये सब व्यू है जी इसका। दुबई ब्लू वाटर में आ गए हैं। अभी बहुत ज़बरदस्त मौसम है भाई साहब, बहुत ठंडी हवा चल रही है, मज़े का मौसम है। और ये बिल्कुल मरीना सारा हमारी आंखों के सामने है, बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत प्यारा व्यू है। सारे पैसे वसूल हो गए समझो यहाँ आने के। बहुत ही जो है ना शानदार प्लेस है, बहुत शानदार प्लेस है। अभी मरीना वगैरह सारा मैं आपको घुमाना है दो दिनों में, तो अभी हम सिर्फ शार्ट टूर लगा रहे हैं। तो उसके अलावा फिर हम ये सारे जो है ना इनके एक करके ये चीज़ें ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, बोट राइडिंग और एवरीथिंग जरा हम ट्राई करेंगे। इसमें भी कोशिश करेंगे जब चलेगा व्हील तो इसमें भी हम बैठेंगे। तो ये वही व्हील है जिसमें शेख हमदान ऊपर बैठ के काफ़ी पीते हैं, जिसका ड्रोन शॉट्स हैं उन्होंने वीडियो ली थी। तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है जी।
ज़रूर आना चाहिए। आई थिंक यू शुड कम टू दुबई। तो भाई साहब अभी हम इस पुल के ऊपर आ गए हैं, पेरिस्टियन पुल, या आप जो है ना मरीना वाली साइड पे, यहाँ से जो लोग पैदल आते हैं ना, अब आप डायरेक्ट गाड़ी में भी आ सकते हैं, गाड़ी यहाँ पार्क करें, यहाँ पे बेड पार्किंग है, या फिर इधर मरीना में अगर आप रहते हैं कहीं आप आए हैं तो आप ये पैदल आ सकते हैं, पैदल पार्क है। और सर क्या नज़ारा है यहाँ का, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। हाँ ये क्रूज जा रहा है, बहुत आला नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त, उसमें हल्की हल्की सी नमी है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता बट फील कर रहा हूँ। इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैंने कहा ये थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो लाइटें वगैरह सब ऑन हो जाएगी, लेकिन क्या यार ज़बरदस्त नज़ारा है, मज़ा आ गया इस नज़ारे का। तो प्यारा व्यू है यहाँ का, ज़बरदस्त यहाँ पे तस्वीरें आती हैं, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। चहल पहल रौनक है लोगों की, लोग आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है।